खबर लक्सर से है। पंचक खत्म होते ही कावड़ मेला अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। वैसे वैसे ही पुलिस प्रशासन की चुनौतियां भी बढ़ती जा रही है। कावड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी होने के साथ यातायात को मंगलोर वाया लक्सर से होते हुए हरिद्वार निकाला जा रहा है। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर ट्रैफिक का अधिक लोड पड़ने की वजह से यातायात को भी डाइवर्ट कर स्थिति हो गई है। दिल्ली से आने वाले वाहनों को नगला इमरती से डाइवर्ट होकर लक्सर होते हुए हरिद्वार की ओर ले जा रहे हैं। स्थानीय मार्गों पर रूट डाइवर्ट कर दिए जाने से क्षेत्रीय ग्रामीणों की मुश्किलें भी बढ़ रही है, क्योंकि लक्सर हरिद्वार नेशनल हाईवे मार्ग लक्सर कस्बा सुल्तानपुर कन्हारी शाहपुर धनपुरा फेरूपुर जियापोता ऐसे गांव हैं जो नेशनल हाईवे पर पड़ते हैं, जिसकी वजह से मार्ग से अधिक ट्रैफिक गुजरने की वजह से लोगों को दिक्कतों की सामना भी करना पड़ रहा है। उधर पुलिस क्षेत्राधिकारी मनोज ठाकुर का कहना है कि कावड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी होने की वजह से यातायात डाइवर्ट किया जा रहा है। वही भारी वाहनों को मार्ग पर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। देखिए, जैसा कि विदित है कि कल से जो भी वाहन की संख्या जो हरिद्वार की तरफ जा रही है उसे नगला इमरती से डाइवर्ट कर और लक्सर होते हुए बैरागी कैंप भेजा जा रहा है, और जो हरिद्वार जाने वाले वो वहीं से ही उन्हें बाइफरकेट किया जा रहा है। तो इसके चलते जो है जगह जगह पे हमने ड्यूटी पॉइंट पहले से ही चिन्हित कर रखे हैं और ड्यूटियाँ वहाँ प्लेस कर दी गई हैं। जैसे कि हमारा बहादुरपुर फाटक हो गया, मेटाडोर तिराहा हो गया, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए छोटी गाड़ियाँ जो है हम कुआं खेड़ा से भी समय आने पर निकालेंगे, और जो भी ड्यूटियां हैं उनको प्रॉपरली ब्रीफ भी किया जाए।